वंदे मातरम हिंदुस्तान, राजस्थान की आवाज से मैं हूं अनिराम पारी। प्रस्तुत है अब तक के समाचार। सर, सबसे पहले तो बधाई आपने जिला शिक्षा अधिकारी का इस बार ग्रेड दिया। क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि जो सरकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना, हमारे जो प्री बोर्ड्स के बाद जो क्लासेस करवानी हैं उन कमज़ोर बच्चों की, उनको करवाना पूरा अच्छे से ताकि हमारे बोर्ड के रिजल्ट्स अच्छे आए। इसके अलावा शिक्षकों के मेटल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उन सबके अंदर इम्प्रूवमेंट, कहीं ना कहीं ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट लेके आना ताकि शिक्षा में सुधार बहुत हैं। गंगानगर में भी काफ़ी नवाचार हुए हैं और नवाचार करने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो आज के समय पे शिक्षा में ही मैं मानता हूँ। नवाचार में दो प्रकार के हैं, एक तो ऐसे जिनके अंदर बिना कुछ जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए, पैसा खर्च किए, हम एक क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और दूसरा जिसके अंदर कुछ है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि दोनों की तरफ काम किया जाए और इस प्रकार से काम किया जाए कि जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जाके जब वो शिक्षा लें, पढ़ाई करें, तो उनको शिक्षा के साथ साथ उन चीज़ों का भी लाभ, जो बुक्स वगैरह वहाँ बिकती हैं या अन्य सामान जो बेचा जाता है उसको लेकर विवाद कहता है वो नहीं बेच पाएंगे। तो मैंने इस चीज़ को देखा नहीं है, जैसे ही एक बार इस चीज़ को देखेंगे उसके बाद फिर इसमें डिसीजन लेंगे।